अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लंच बॉक्स पराठा, जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही स्पेशल है। इसको आप किसी इवेंट पे भी बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार से पराठे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जितना ये देखने में अच्छा है, उतना खाने में भी अच्छा है। सबसे पहले एक नॉर्मल आटे का हम पेड़ा ले लेंगे, जो जिससे हम घर में रोटियाँ बनाते हैं। इसका कोई अलग से आटा नहीं गूंदेंगे। इसकी अच्छी सी रोटी बेल लेते हैं। रोटी बेलने के बाद कट लगाएंगे। एक शामी कबाब एक रख दिए हैं, आप उसको भी फ्राई नहीं किया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद इसको मैंने रख दिया है। और पूरे पराठे पे मैंने घी लगा दिए। नमक मिर्च, चाट मसाला या काली मिर्च, जो आपका दिल चाहे आप इस पे छिड़क लें। मैंने काली मिर्च, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिए। और यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट लिए। अब जो लास्ट कॉर्नर बचा है, आप चाहें तो उसमें चीज़ डाल लें, या मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मायोनीज। एक पराठा हम चीज़ वाला ही बनाएंगे। और अब यहाँ से उठा के अच्छे से आपने इसको यूँ रखना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से बेल लें, जिस तरह हम हाथ से फैला लेते हैं इस तरह, या चाहें तो आप इसको बड़ा बेलने के साथ बेल लें, आपकी चॉइस है। इसको मैंने हाथ के साथ ही दबा के बड़ा कर दिया। और थोड़ा सा बेलन भी इस्तेमाल कर लेंगे ताकि ये और बड़ा हो जाए। सरफेस को अच्छे से और डस्ट कर लीजिएगा आटा। अब इस पराठे के ऊपर हम थोड़ा सा कलौंजी और हरा धनिया ऑयल, इसके ऊपर अच्छे से मैंने घी लगा दिए या ऑयल लगा दें, जो आपकी चॉइस। और अभी इसे हम थोड़ा सा धनिया बारीक काट के डाल लेते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा प्रेस कर देना ताकि चिपक जाए। इसे तेल लगा लें, यहाँ पर मैं कलौंजी इस पर लगा लूँगी। पराठा हमारा रेडी है, इसको हम अच्छा सा पका लेंगे। इसी एक साइड से पक जाएगा तो इसको साइड चेंज कर देंगे, अच्छा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे इसको। दूसरा भी पराठा यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। फिर मैं चीज़ इसमें डाल दी मायोनीज की जगह, ताकि दोनों फ्लेवर के पराठे हमारे पास हों। आप चाहें तो आलू का कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, बस शामी कबाब थे मैंने वो यूज़ किए। तो हमारा एक और बेहतरीन सी पराठा रेडी हो जाएगा। ये लंच बॉक्स के लिए बड़ी अच्छी और यूनिक सी रेसिपी है, मज़ेदार सी और इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही थी। इसी तरह हम मज़ेदार से पराठे बना लेंगे। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, देखने में भी बहुत मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक फॉर